देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, जो रीजन अभी अभी हमारे इस लेक्चर को देखने का, जो क्लास को भी देखने का है, वो मैथ्स का अकेला ये टॉपिक नहीं है। जो एक्चुअली सही हमें आना चाहिए दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ढूंढते हैं कि पूछा क्या गया और फिर एक सेंस बनाते हैं, अच्छा इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। तो जब हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाता है ना, तो वो अकेले हमें मैथ्स में हेल्प नहीं करेगा, हम कोई भी और सब्जेक्ट करेंगे लाइफ में। कल को आप लोग नए नए चैलेंजेस लोगे, कल को कुछ नई नई क्रिएशंस करोगे, नए नए इनोवेशंस करोगे, वो सारे इनोवेशंस एक बार में नहीं हो जाएंगे। कितनी बार हमें उनको ट्राई करना पड़ेगा, फिर हमारा सेंस बढ़ेगा, फिर हम एक्चुअली उनको बहुत नई नई चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो वो सारी जो डेवलपमेंट है ना, दैट एक्चुअली अराइजेज थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो जब एक बार हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बन जाता है ना, फिर हम लोग बिल्कुल फाइटर बन जाते हैं। हमें पता होता है कि इन क्वेश्चंस में या किसी भी हम लोग जब लाइफ में नया चैलेंज लेंगे, तो उसमें शुरू में ऐसा होगा कि हम कुछ नया ट्राई करेंगे, उसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो मैथ्स को बिल्कुल वो एक्सपेरिमेंट समझो। जब क्वेश्चंस करते हो ना, तो बिल्कुल सोचा करो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक सेंस बनाएंगे। जब एक बार वो सेंस बन गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बन गया। कॉन्फिडेंस बन गया, फिर कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो ये अप्रोच पकड़ना, इंस्टेड ऑफ ये कि हमारे ये क्वेश्चन हो गए, हमने ये बुक कर ली, वो सब जो लॉजिक हैं वो बहुत ही ओल्ड स्कूल स्टोरी है। जो काम की बात है वो क्या कि हमें समझ में आए कि हमें हमेशा के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, तो बिल्कुल वो अप्रोच पकड़ा करो, फिर हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करा, तो अब एपी में देखो, हमने लास्ट क्लास में उसकी जर्नल टर्म डेवलप करी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वो भी हमने खुद बना ली। अब अकेली उसमें काम की बात क्या है कि हमने लास्ट क्लास में एक बात सुनी कि अब जो भी एपी का क्वेश्चन आएगा, और देखो आज भी ऐसे करना, तो एपी के क्वेश्चन में ना हमसे कुछ भी पूछा गया होगा, नए नए क्वेश्चंस में नई नई लैंग्वेज होगी, पर हमारा सेंस क्या है कि अगर हमें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो फिर हम एपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आए ना एपी का, और उसमें अलग अलग टर्म्स गिवन हो, तो देखा करो कि क्या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। अगर नहीं गिवन तो उनका नाम रख लो, ए हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो गया डी, उनका नाम रख के देखो कि हर क्वेश्चन में या तो ए और डी ने निकल आना होता है, या फिर उनके बीच का कनेक्शन बन जाना होता है। ये अकेला बेसिस है इस टॉपिक के हर क्वेश्चन का, नए से नए। तो क्या करोगे, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, उसमें डिफरेंट सी लैंग्वेज होगी, फटाफट उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को क्रिएट करवा दोगे अगर नहीं दिया होगा तो। जैसे ही हमने वो क्रिएट करा दिया, आगे हमारा मोमेंटम अपने आप बनेगा। तो चलो आज भी क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। अब हमें एपी की जर्नल टर्म पता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, दिस इज टी एन। तो उसी उतनी सी बात को ही बेसिस बना के बस अब हमने क्वेश्चंस करने डिस्कस। ग्रेजुअली देखो हमारा स्किल परफेक्शन पे आना शुरू हो जाएगा, पर जो पॉइंट सुना बस उसको ध्यान में रखना। चलो शुरू करते हैं आज वाली क्लास इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि ये कोई एपी है, इसका 12th, 24th और nth टर्म बता दो। तो हमने एपी में हमें क्या पकड़ना होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म कितना है 9, कॉमन डिफरेंस हमने सब्ट्रैक्ट करके ऑब्टेन करा, दैट इज 4। जैसे ही एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, हमें क्लैरिटी है कि हमने क्वेश्चन ब्रेक कर लिया। अब हम उसकी जर्नल टर्म बना देंगे, सिंपली ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब इसमें a कितना है 9, d कितना है 4, तो हमने जर्नल टर्म डेवलप कर दी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वो आ गया 4n प्लस 5। अब हमसे कोई भी टर्म पूछी हो, इट इज सिंपल, a 12 कितना हो जाता, a प्लस 11d, वो हमने ऑप्टेन कर लिया 53, और a 24 बन गया सिंपली a प्लस 23d, दैट वॉज 101। देखो इसको ब्रेक करने का जो सेंस है वो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बिल्कुल इसी तरह का जैसे एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा, वैसे का एक और अब जरा अपने आप करो, ये सॉल्व करो पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 124, मतलब 124 इस सीक्वेंस का कोई टर्म है। तो हमें क्या करना है, हमने n निकालना है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हमें क्या गिवन था, tn।
ए कितना है इस ए पी का 4, कॉमन डिफरेंस 5, टी एन हमें गिवन है कि 124 है, तो हमें पूछा गया कि इस ए पी की कौन सी जो टर्म है दैट इज 124, तो हमने क्या करा सिंपली इसकी जर्नल टर्म बना दी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए हमें नोन है कि 4, डी हमें नोन है कि 5, हमने फिल करे और वो बराबर आना चाहिए 124 के। तो अभी रीअरेंजमेंट सिंपल है, यहाँ से हमने एन ऑप्टेन करा वो आ गया 25, मतलब इस ए पी की जो 25th टर्म होगी उसका जवाब आएगा 124, मतलब हम लोग कंक्लूड कर पाए कि टी 25 जो है दैट इज 124, तो हमारा आंसर होता 25th टर्म। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब नेक्स्ट करो अपने आप। देखो हमें कहा गया डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करने का मतलब ही क्या हुआ कि उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो, क्योंकि जब हमें एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नोन हो तो एक्चुअली हमने पूरी एपी ब्रेक कर दी, अब उसकी कोई भी टर्म हमसे पूछ लो। तो अब हमें इस क्वेश्चन में अकेली समझ हमारी क्या बननी चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का नाम रख लेना चाहिए, जब भी कभी एपी में जो मर्जी पूछा गया हो उस क्वेश्चन में एंटर करने का तरीका ही ये होगा। यहाँ तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे बोला ही यही कि ए और डी निकालो, अगर ना भी बोला होता तो भी हम लोग नाम रखते ए और डी, जैसे ए और डी नाम रखा हम थर्ड टर्म बना सके, वो आ गई ए प्लस टू डी, वो हमें गिवन है कि 5 है, साथ में हम सेवन्थ टर्म बना सके वो हो गई ए प्लस 60, वो हमें गिवन है कि 9 है। हमारा टारगेट क्या है ए और डी निकालना, दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे, दोनों को हमने सब्ट्रैक करा ए और ए कैंसिल, 4d बराबर आ गया 4 के, वहाँ से d आ गया 1, तो इस ap का कॉमन डिफरेंस तो हमने ऑप्टेन कर लिया। अब सिंपली इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ फिल कर दें तो कहीं भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फिल कर दें तो हमारे पास a आ गया, a प्लस 2d बराबर था 5 के, वहाँ से a आ गया 3। जैसे ही ap का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया एक्चुअली हमने ये ap ब्रेक कर दी, अब इसमें कुछ भी और पूछा गया हो दैट इज सिंपल। तो अब उन्होंने तो खैर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ए पी पूछी है तो हमने ए पी बना दी, सिंपली फर्स्ट टर्म कितना आया इसमें 2, 3 एंड कॉमन डिफरेंस 1, तो ए पी क्या बन गई 3, फिर अगला 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। देखो कितना सिंपल पैटर्न है, पर इसमें रिकॉग्नाइज करने वाली बात क्या है कि जब भी कभी ए पी में उन्होंने कुछ भी दिया हो नाम रख लो, फर्स्ट टर्म का नाम रख लो ए, कॉमन डिफरेंस का नाम रख लो डी, फिर आगे हमारा मोमेंटम बन जाता है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। अब बिल्कुल इसी तरह से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक करो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, केवल हमने जज करना था कि ये सीरीज एपी है कि नहीं, तो कैसे जज करते हैं इनके डिफरेंसेस ऑब्टेन करते हैं, तो हमने इनको सब्ट्रैक करा, ए टू माइनस ए वन करा, वो आ गया 3 + √2 - 3, उसका आंसर आया √2। तो अगर ये ए पी होगी तो इसे इसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, ए थ्री माइनस ए टू करना चाहिए, हमने ए थ्री माइनस ए टू करा, वो आ गया 3 + √2 - 3 - √2, वो भी सेम आ गया। अब हमने ए फोर माइनस ए थ्री करा, ए फोर माइनस ए थ्री करने पे भी आंसर सेम आया, तो क्योंकि ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम इंटरप्रेट कर गए कि जो गिवन सीरीज है वो एक्चुअली एक ए पी है, क्योंकि एपी में जो इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस आता है वो सेम आता है। तो इस केस में क्योंकि ये डिफरेंस सेम बना देयरफॉर द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी। देखो जो काम की बात है वो ये कि जो कॉमन डिफरेंस बना इस केस में डी, वो कितना आ गया √2। जब डी हमें पता है, ए हमें पता है, इस सीरीज का ए कितना था 3, तो एक्चुअली हम अब इस सीरीज का कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, क्यों, हमने जज कर लिया कि गिवन सीरीज एक एपी है। तो इस एपी का जर्नल टर्म क्या बनता, सिंपली अगर हम इस एपी का जर्नल टर्म अगर बनाते तो वो सिंपली हम लोग लिख सकते थे कि जो इसका टी एन है वो बराबर है ए जो कि 3 था प्लस एन माइनस 1 इंटू √2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आया √2। तो अब हमसे कहा गया राइट 3 मोर टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हमने क्या निकालना है T5, तो वो तो सिंपली आ सकता है यहाँ पे n की जगह 5 फिल कर दिया, T6 n की जगह 6 फिल कर दिया, ये आ गया 3 + √2, नेक्स्ट आ गया 3 + √2,
उसका नेक्स्ट आ गया 3 प्लस 6 रूट 2, ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाता। तो उसका सेंस बिल्कुल बेसिक है, बस इन क्वेश्चंस को हमने राइट अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हमें दिखा कि जो इस एपी का फर्स्ट टर्म है वो 7 है, कॉमन डिफरेंस हमें दिख गया 13 - 7 दैट इज 6। जैसे ही एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने ऑब्टेन कर लिया तो एक्चुअली एपी हमने ब्रेक कर ली, उसके बाद उसका मेजर काम खत्म। अब हमें दिया गया कि इस एपी की जो लास्ट टर्म है, जो कि इस एपी की कह लो nth टर्म है, वो हमें गिवन है कि 205 है। तो हमने इस डेटा के थ्रू वो n निकालना है, वही तो एक्चुअली लास्ट टर्म हो गई। तो हमने पता करना है कि वो कौन सी टर्म है। तो हमें क्लेरिटी है कि जो tn है वो हमें नोन है कि बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू d के। तो वो आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वहाँ से हमने सिंपली d ऑप्टेन करना है, n ऑप्टेन करना है, वो आ गया 198/6 दैट इज 33। तो n हम फाइनली बता सके कि दिस इज 34। मतलब इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 34 टर्म्स होंगी, जो 34th टर्म होगी दैट वुड बी 205। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 34। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब देखो इसमें हमें कहा गया बिल्कुल सेम पैटर्न, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 18, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, लास्ट टर्म हमें टी एन गिवन है कि -47 है। तो हमें ए नोन है कि 18 है, डी कैसे ऑप्टेन करा हमने 31/2 - 18 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो हमें दे गया -5/2। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आया दैट इज -5/2। अब जो लास्ट टर्म है एल, जो कि एक्चुअली टी एन हो गई, वो हमें गिवन है कि वो बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी के। ए हमें नोन है, डी हमें नोन है, एल हमें नोन है। हमें एल मतलब टी एन पता है पहले से कि वो -47 है, तो बस हमने यहाँ पे केवल वैल्यूज फिल करनी थी। -47 बराबर 18 प्लस एन माइनस वन इन टू -5/2 के। अब देखो इसके बाद केवल काम सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। इस 18 को हम दूसरी तरफ लेके गए, वो आ गया -65 इंटू ये -2/5 हमने करा, माइनस माइनस कैंसिल प्लस, ये आ गया 1 टाइम्स, ये आ गया 13 टाइम्स। तो हम लोग n माइनस 1 ऑप्टेन कर सके कि दिस इज 36। तो वहाँ से क्लियरली हमें n मिल गया कि दिस इज इक्वल टू 27। तो जो इसको डील करने का सेंस है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर बस इस लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। एपी को ब्रेक करने का सेंस ही ये है कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता हो, उसके बाद जो कुछ भी पूछा गया होगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन सारे क्वेश्चंस में जो हम लोग लाइन यूज़ कर रहे हैं बार बार, वो उसकी जर्नल टर्म वाली ही है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो बहुत सिंपल कैटेगरी है, बस हमने ये टर्म सही बनानी है और कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक नहीं करनी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा था कि इस एपी का 31st टर्म निकाल दो, जिसका कि 11th टर्म हमें गिवन है, 16th टर्म हमें गिवन है। तो हमारे माइंड में बिल्कुल ये परमानेंट पिक्चर बननी चाहिए कि एपी को ब्रेक करने का सेंस ही ये है कि उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। जब उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता होगा, फिर हमसे जो कुछ भी और पूछा हो वो हम आसानी से बना देते होते हैं। तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए कि उस एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का नाम रख लें। हमने फर्स्ट टर्म का नाम रखा ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब हम 11th टर्म को बना सके, 11th टर्म क्या बनती ए प्लस 10d, वो हमें गिवन है कि 38 है। फिर हम 16th टर्म को बना सके ए प्लस 15d, वो हमें गिवन है कि 73 है। हर बार बिल्कुल जैसे ही हमने सिचुएशन को क्रॉस कर लिया, अब सोचो कि दो इक्वेशंस एंड दो अननोन्स हैं, क्यों ना अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम ऑब्टेन कर लें। तो हमने सिंपली इन दोनों को सॉल्व करा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, -5d आ गया -35, वहाँ से d आ गया 7। d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फिल कर लो, तो a प्लस 7 × 10, a प्लस 70 बराबर आ गया 38, वहाँ से a आ गया -32। जब ap का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो हम उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसकी जर्नल टर्म की क्लेरिटी है, a प्लस n माइनस 1 × d।
तो इसकी 31st टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 31 माइनस 1 मतलब 30 इंटू डी, जो कि बराबर हो गई माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 विच इज 210। तो हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था एग्जैक्टली विद दिस रीजन 178। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। हर बार एपी का क्वेश्चन आएगा, फटाफट दिमाग कैसे चलाएंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, जैसे ही वो पता होगा सारा क्वेश्चन ब्रेक। इसको हर बार ऐसे सोचना। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरी स्पीड से बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशंस कंप्लीट करके अपने आप सॉल्व करो। अब ये करो कंप्लीट। अब देखो सेम तरह का क्वेश्चन हमें दिया गया कि कोई एपी है जिसका थर्ड टर्म 4 है कॉमन एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस 8। हमने बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 है। तो इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के थ्रू। ये अपना बिल्कुल फिक्स पैटर्न माइंड में रखना। तो हमने फर्स्ट टर्म का नाम ए रखा, कॉमन डिफरेंस का डी, थर्ड टर्म हमें गिवन है कि 4 मतलब ए प्लस 2d हम जानते हैं कि 4 है, नाइन्थ टर्म का मतलब ए प्लस 8d हमें गिवन है कि माइनस 8 है। इन दोनों का बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ से हम a और d निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा हमें सिंपली d मिल गया, d आ गया माइनस 2। डी को हमने इक्वेशन में फिल करा, हमारे पास a आ गया 8। जब हमें ए पी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन में एंटर कर गए। अब हमसे कुछ भी पूछा हो, हमसे पूछा कि कौन सी टर्म जीरो है, तो हमने क्या बताना है, टर्म का नंबर कि टी एन कब जीरो है। तो हमने बताना है कि कौन से नंबर की टर्म जीरो आएगी। तो हमने ए पी की जर्नल टर्म बनाई, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जो कि टी एन बनी, और हमें वो गिवन था कि उसका जवाब जीरो आना चाहिए। ए हमें नोन है, डी हमें नोन है माइनस टू, सिंपली हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया माइनस टू इंटू एन माइनस वन, टू इंटू एन माइनस वन आ गया 8, वहाँ से एन माइनस वन 4, वहाँ से एन आ गया 5। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करती रहेगी पर जो हमारा डील करने का सेंस होगा वो ऑब्जर्व करो। हमने एपी के क्वेश्चन में क्या करना है, हर बार क्वेश्चन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के प्लेटफॉर्म पे ले आना है, नाम रख लेने हैं, अपने आप फ्लो बनेगा। बिल्कुल इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। फाइनल आंसर इसका बनता 5। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल थी। हमें गिवन था कि किसी एपी की 17 टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमने बिना कोई स्पेशल एफर्ट करे 17 टर्म बस क्रिएट कर दी, a प्लस 16d, 10th टर्म क्रिएट करी a प्लस 9d। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है कि 7 है, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें मिल गया a 17 माइनस a 10 इज इक्वल टू a कैंसिल 7d। पर ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये कितना है 7, तो 7 बराबर आ गया 7d के, वहाँ से d आ गया 1। अब वैसे भी एक बात सोचो कि अगर ये क्वेश्चन अगर कल को ऑब्जेक्टिव में आए तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिखता है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी आगे होती है, वो 10th टर्म से आगे होती है 7d, तो 7d हमें गिवन था कि 7 है। तो अगर इसको हम बिना कुछ करे भी अगर करना चाहते सिंपली ओरली भी, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना बेसिक था। अगर बिल्कुल रिटन में करते तो इसको सिंपली ऐसे ब्रेक कर लेते। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपने आप सोचो, अब ये करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो अब अगर सोचो कि वो फर्स्ट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो हुआ 12, और जो लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो हुआ 99। जो बीच में नंबर्स हैं वो क्या पैटर्न बना रहे हैं, जो फर्स्ट सच नंबर है वो हमें रियलाइज हुआ कि 12 है, नेक्स्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है दैट इज 15, नेक्स्ट इज 18, और लास्ट क्या बना 99। तो अगर ऑब्जर्व करें तो इन सब के बीच में जो गैप आ रहा है वो एक्चुअली कितना है, हर बार जो गैप आ रहा है वो 3 का है, इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का है। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक्चुअली एक एपी है, एपी जिसका फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है 3, और लास्ट टर्म हमें दिया गया है कि इट इज़ 99। तो एक्चुअली हमने क्या निकालना है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो उसको ब्रेक करने का सेंस हमें समझ में आता है कि टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी,
तो 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इन टू कॉमन डिफरेंस. वहां से हम सिंपली इसका n निकाल सके, n आ गया 30, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 3 से डिविजिबल होंगी दैट वुड बी 30. तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है पर हमने सही डील करनी है. अब इसी तरह का, अब ज़रा ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट अपने आप, अब ये सॉल्व करो. देखो हमने क्या करा इसमें, हमने पहला ऐसा नंबर निकाल लिया, लास्ट नंबर निकाल लिया, और हमने रियलाइज़ करा कि ये सीरीज तो एपी है. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे हो उसमें बिल्कुल ऐसे की बात अब अपने आप सोचना, अब ये सॉल्व करो. अब देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली सेम था. हमें पूछा गया था कि 100 से लेके 999 तक कितने बीच में नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो. तो हमने वो काउंट थोड़ी करने थे. अब हमें ये पैटर्न समझ में आता है. हमने वो फर्स्ट नंबर निकाला जो कि 7 से डिविजिबल है, वो आ रहा था 105. फिर हम 999 से शुरू हो गए कि वो कौन सा लास्ट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो. हमें रियलाइज हुआ कि दैट वॉज 994. अब जो बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमने ऑब्जर्व करा कि वो एक पैटर्न बना रहे हैं. इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है देखो वो हर बार 7 आ रहा है. तो अगर इनके बीच में डिफरेंस अगर 7 आ रहा है तो ये सीरीज जो बनी दैट इज एक्चुअली एन एपी. एपी जिसका फर्स्ट टर्म हमें नोन है कि 105 है, कॉमन डिफरेंस हमें नोन है कि 7 है, लास्ट टर्म मतलब TN हमें नोन है कि 994 है. तो अब हमें जो काम दिया गया वो अकेला बस ये N निकालने का था. जैसे ही हमने ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. TN बराबर हो गया A प्लस N माइनस 1 इन टू डी. वहाँ से अब सिंपल कैलकुलेशन, हम लोगों ने सिंपली N माइनस 1 ऑप्टेन करा 889 बाय 7. वहाँ से N माइनस 1 आ गया 127 और N आ गया 128. तो इस क्वेश्चन में करने वाला जो मेन काम था वो बस इस बात को रिकॉग्नाइज करना था. देखो ये क्वेश्चंस जो अभी कर रहे हैं ना ये इसकी बेसिक लैंग्वेज है. हम लोग ग्रेजुअली इसमें भी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फेस करेंगे. बस पहले लेकिन अपने माइंड में ये पिक्चर बनाओ कि हमें दिख गया डायरेक्टली कि जो सीरीज़ है वो एक एपी है. तो जैसे ही ये रिकॉग्निशन हो जाए फिर हम लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर पाते हैं अपने आप एक्चुअली. अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम तरह के पैटर्न का था. हमें कहा गया कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. तो हमने क्या करा कि वो पहला मल्टीपल निकाला, वो आया 12. लास्ट मल्टीपल निकाला, 250 नहीं है मल्टीपल. पीछे चेक करा कि कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो जो लास्ट हम लोग ऑब्टेन कर सके दैट इज 248. अब ये रिकॉग्निशन हमारे माइंड में ऑलरेडी बनी हुई है कि ये सीरीज एपी आ जाती है. 4 डायरेक्टली 12 आया, फिर 16 आया एंड सो ऑन. तो इस एपी का TN हमें नोन था, इट इज 248. ए वॉज 12 एंड डी वॉज 4. तो सिंपली हम लोग उसके बाद कैलकुलेशंस के थ्रू N निकाल सके. तो इसमें ट्रिक कोई नहीं, बस इस पॉइंट को सही ऑब्जर्व करना है हमारा अकेला काम. अब देखो आज वाली क्लास में हमने एपी की जर्नल टर्म पे थोड़े क्वेश्चंस और करे. इसमें ग्रेजुअली लेवल और इंटरेस्टिंग आता रहेगा अपने आप, पर सेंस देखो सेम है. हर बार फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस का प्ले ही होगा. तो जो क्वेश्चंस हमने अभी आज करे इनको प्रॉपरली एक बार देख के फिर नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए हम लोग और वेल प्रिपेयर्ड होंगे. तो अगर रिकॉग्नाइज करो तो हमने आज कोई भी नया फॉर्मूला नहीं करा. जितनी बातें हमने पहले से करी हुई थी उतनी भी बेस पर हमने आज क्वेश्चंस करे. नेक्स्ट क्लास में भी बस इतना ही काम है. पहले इतने काम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना ही बस हमारा सिलेबस है. इसको बहुत ध्यान से समझेंगे उसके बाद कोई नए पॉइंट पे जाएंगे. तो बस चलो जो अब आज काम करा उसको थॉरली रिवाइज करके आओ.